हाँ सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो ला रहा हूँ, जो कि यार आज मैं अपने गांव, लास्ट टाइम आपको याद होगा खजूर तोड़ने आए थे, जब इधर ही हम आ रहे हैं अभी। यहाँ पर मेरे भाई लोग आप देख सकते हैं, ये मेरा निक्कू भाई है और सामने देख सकते हैं ये सानू भाई। तो आज हम लोग यार कमल फल होता है आपको पता होगा शायद, तो वो तोड़ने जा रहे हैं। बताता हूँ कैसे तोड़ते हैं और उसका भी टेस्ट कैसा है आपको बताता हूँ आगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा तालाब है, बहुत एरिया में, बहुत बड़े एरिया में है। दो दूर तक आपको नजर भी नहीं आ रही, हर जगह आपको कमल के फूल दिख रहे होंगे या तो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे होंगे। ये एक्चुअली पानी के अंदर ही है सारा, जितना भी आपको दिख रहा है पानी के अंदर। पूरे लास्ट में आपको वो सारे पेड़ दिख रहे हैं, ताड़ के पेड़, खजूर के पेड़ है, तो वो सब बाउंड्री है, ठीक है। इसके अंदर आपको जितना भी दिख रहा है पूरे एरिया में, हर जगह पानी पानी है, बट अभी सारे आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं कमल के फूल, देख सकते हैं आप, दिखा रहा हूँ। बाकी ये नॉर्मल रास्ता है जिससे लोग आना करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इधर आ चुके हैं, अभी देखो यहीं से अभी हम लोग कमल फल तोड़ने वाले हैं। ये देखो एक भाई मेरे को दिखा रहे हैं, यही है कमल फल, देख सकते हैं यार ये कितना औजम है ना। ये देखो भाई फूल की तरह लग रहे हैं, ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, यही फल है। तो इसको भी हम निकाल के खाने वाले हैं, देख सकते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है यार कमल फूल के लिए। इधर आपको सारे अंदर कीचड़ है, बट हाँ कमल तो कीचड़ में ही मिलते हैं और उसका मज़ा भी कुछ अलग ही होता है यार टेस्ट। जहाँ कीचड़ है वहाँ स्वाद भी है। ये आपको जितने भी दिख रहे हैं यार, ये हर जगह यार कमल फूल है, ठीक है। कमल ककड़ी भी इससे निकलती है, बट अभी कमल ककड़ी तो नहीं निकलेगी, अभी आपको बस कमल फल मिलेंगे। ये पूरे एरिया में आप लोग देख सकते हैं यार, हर जगह फूल भी हैं। हाँ फूल भी अभी कुछ कुछ हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारे हैं और भी आ गए, आपको दिख नहीं रहा होगा बहुत दूर दूर तक है, अभी तो बस ये कुछ कुछ आपको दिख रहे हैं। यार भाई लोग मुझे तो इसका ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बट मैं बताता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ आप लोग एक्चुअली ये कैसे मतलब प्रोसेस होता है, ठीक है। कमल फूल आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा जो फूल से पहले जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए ये प्रोसेस है, पहले इतना छोटा सा ये बीज टाइप जो बीज से होता है, उसके बाद ये आपको फूल नज़र आ रहा होगा। इतने बड़े बड़े फूल होते हैं यार, औसम है यार, दिखने में तो बहुत सुंदर है। इसी पर माता लक्ष्मी आई थिंक वो निवास करती हैं, और ये आपको दिख सकता है फल, इसका फाइनल प्रोसेस ये है, तो जिसको हम खा सकते हैं इसको, इसी को ही हम लोग कमल फल बोलते हैं। बाकी दिख रही होंगी आपको इतने सारी, ये जितने भी नीचे आपको दिख रहा है ये बेसिकली ये सारे कीचड़ होते हैं अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कीचड़ में ही कमल उगते हैं। बाकी हर जगह आपको चारों में थोड़ा दिखा देता हूँ यार, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली पानी का ही एरिया, तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है, बोल सकते हैं इसको। बट अभी गर्मी का मौसम है तो पानी सूखा हुआ है, तो अभी बस ये आपको छोटे छोटे ये पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। बाकी आगे भी है, उतना तो मैं जा नहीं सकता, आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा तो भी आपको बस पेड़ पौधे ही नज़र आएंगे। बट हाँ जो मैंने पहले बताया था वो बाउंड्री, जो आपको खजूर के पेड़ दिख रहे हैं पीछे, तो वहाँ तक ये फैली हुई है, बहुत बड़े एरिया में है। बस ठीक है दोस्तों, आप लोग बताना कैसा वीडियो लगा, आगे मैं आपको निकले और भी बहुत कुछ लाऊंगा। ये मेरे भाई लोग हैं जो मेरी मदद करते रहते हैं, ठीक है। ये देखो मेरा भाई खा भी रहा, अब मैं उसे पूछता हूँ यार इसका टेस्ट कैसा है यार। तो मेरे निकू भाई बताना आपको ये कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने तो पहले खाया बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है, कलर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है, टेस्ट कैसा है? मीठा है, मीठा है, हाँ चलो सही है। तोड़ने का प्रोसेस तो भाई लोग मैं आपसे ही सीख रहा हूँ, तुम बताओ यार थोड़ा सा। ऐसे छिलका निकालते हैं, राइट, इसमें बहुत सारा बीज है, जो बड़ा वाला है उसको खाते हैं, ये छोटा वाला है, इसमें इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये छोटा वाला निकला, ये भी अच्छा लगेगा, बहुत मस्त लगता है खाने के लिए। और जो बड़ा वाला होता है वो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि बादाम जैसा लगता है। ओके क्या बात है यार, ये तो मुझे भी नहीं पता था। छिलका निकाल दिया, ये भी छोटा वाला निकला, ये भी बहुत अच्छा लगता है, यानी कि इसमें जितना भी जो क्या है उसको बोलते हैं बीज है, सब छोटा वाला है। अच्छा। देखते हैं बड़ा वाला किससे निकलता है। देखो देख सकते हैं ये बड़ा वाला है, इसको तोड़ के मैं दिखाता हूँ तुमको, तोड़ दिया, ये जो है बड़ा वाला बीज है, इसमें से जो निकलेगा बड़ा वाला ही निकलेगा, तोड़ दिया हमने, बहुत अच्छे भी लगते हैं खाने के लिए। देखो
ये बड़ा वाला निकल गया। कितना सही लग रहा है, सुंदर पूरा व्हाइट अंदर से। यहाँ पर देखो बीज के अंदर भी उसका छोटा सा पेड़ जो बढ़ रहा है, अंकुर है, अंकुर उसका अंकुर बोलते हैं ना। यहाँ से ही बीज निकलता है और जो पेड़ उगता है, तो इसका हम खा लेते हैं, यानी बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। देखो बहुत सारे छोटे छोटे बीज है, ये कितने सुंदर लग रहे हैं ना सारे। बड़ा वाला तो बादाम जैसा लगता है, लेकिन छोटा वाला बहुत मीठा लगता है, खजूर जैसा। ठीक है दोस्तों, तो खाकर भी बता सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं भाई लोग, आप भाई लोगों ने खा लिया तो यार पता तो चल गया। तो दोस्तों आप लोगों को तो देख लिया प्रोसेस कैसा होता है, बाकी मैंने दिखा दिया आप लोगों को यार कैसे ये कमल के फूल, कमल के फल कैसे निकलते हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट भी पता चल गया। आप लोग बताना कैसा आपको लगा वीडियो, तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। टेस्ट है, मुझे भी मौका मिला है एक बार खाने के लिए यार, ये कमल फल मैं दिखाता हूँ यार इसका टेस्ट कैसा है। एक बार क्या तोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसमें फर्स्ट टाइम ही तोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ दांत से निकाल रहा हूँ। अंदर भी इसको वाइट वाइट है यार, ये जो फल आपको दिख रहा है, मैं आपको अच्छे से तोड़ते एक बार दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है ना, ये यार खाने की चीज़ है यार, देखने से यार इतना सही लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्ट होगा, एकदम नेचुरल फाइबर का टेस्ट आ रहा है इसमें, थोड़ा सा स्वीटनेस भी है, थोड़ा टेस्ट अच्छा मीठा भी हल्का सा, बड़े खाने बहुत अच्छा लग रहा है और हेल्दी भी है यार, क्योंकि ये सीधा मिट्टी से निकली है जो कि हमारे लिए हेल्दी होती है। केमिकल हाँ बिना किसी केमिकल के यार, लास्ट टाइम भी हमने आपको खजूर का दिखाया था तो वो भी बिना केमिकल के थे, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, नेचुरल। ये भी है बिल्कुल नेचुरल, जो कि बहुत सही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू यार, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताना। ठीक है, आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे हम लोग नेचुरली, जो भी गांव के और भी कुछ कुछ बहुत सारे जगह है, मैं आपको वहां भी दिखा लूँ एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, नए वीडियो में मिलते हैं।